हे गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे शॉर्टकट क्रिएट करें डेस्कटॉप पे अपने माइक्रोसॉफ्ट एज के इनकॉग्निट मोड, और आप उसे प्राइवेट मोड भी बोल सकते हो, और उस शॉर्टकट को आप कैसे अपने टास्क बार पे भी पेस्ट करें, जिससे आप टास्क बार पे सिर्फ एक बारी क्लिक करेंगे आपका वो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा प्राइवेट मोड में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड मिल जाएंगी, आप वहां जाके कॉपी कर सकते हो। अगर आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप फर्स्ट वाली कमांड को कॉपी करेंगे, और अगर आपके पास 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप सेकंड वाली को कॉपी करेंगे। तो मेरे पास 64 बिट है तो मैं सेकंड वाली को कॉपी करता हूँ, और उसके बाद आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और न्यू में जाना है और सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है शॉर्टकट को। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो आपने कॉपी करी है कमांड उसको आप यहाँ पेस्ट कर दो और नेक्स्ट पे क्लिक करो। आप कोई भी नाम यहाँ दे सकते हो, जैसे प्राइवेट मोड लिख दो और फिनिश पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका प्राइवेट मोड मतलब इनकॉग्निट मोड आपका ऑन हो गया है। और आप इस पर डबल क्लिक करके देख सकते हो, ये देखिए आपकी इन प्राइवेट ब्राउजिंग, देखिए आपका ब्राउज़र प्राइवेट मोड में ओपन हो गया। अब आप इसको अपने टास्क बार पे भी पेस्ट कर सकते हो। आप इस पर राइट क्लिक करें और पिन टू टास्क बार पे क्लिक करें, ये देखिए नीचे ये पिन हो गया है। अब आप इस शॉर्टकट को किसी भी फोल्डर में डाल सकते हो, और बस डिलीट नहीं करना है आपको इसको, आप किसी भी फोल्डर में इसको मूव कर देना। उसके बाद बस आपको अपने टास्क बार पे क्लिक करना है और ब्राउज़र प्राइवेट मोड में ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।